देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज। बांदा में नाराज किसानों ने विद्यालय में बंद किया अन्ना, मवेशी प्रशासन में मची खलबली। फसलों के लिए मुसीबत बने अन्ना जानवरों से परेशान। बदौसा के ग्राम चंदौर क्षेत्र के किसानों ने करीब 150 अन्ना मवेशियों को गांव में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय चंदौर में बंद कर गेट पर ताला लगा दिया। विद्यालय में उस समय बच्चे नहीं थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। आपको बता दें कि बांदा जिले के बदौसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत चुनावों में विगत कई महीनों से गांव में अन्ना मवेशी किसान की फसल चट कर रहे थे, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा ग्राम प्रधान से लेकर जिलाधिकारी तक कर चुके हैं। ग्रामीणों की समस्या को शान द्वारा लगातार अनदेखा किया जा रहा था और ग्राम प्रधान ने ग्राम में गौशाला को अभी तक निर्माण नहीं कराया, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने आज सुबह लगभग 150 गायों को पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बंद कर दिया और स्कूल में ताला लगा दिया। स्कूल में मवेशी बंद होने से स्कूली बच्चे बाहर ही रहे। ग्रामीणों की मांग थी कि पहले गौशाला बनवाई जाए, फिर विद्यालय का ताला खोला जाएगा। स्थानीय प्रशासन को मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर ताला खुलवाया। आपको बता दें कि यहां किसानों की सैकड़ों बीघे की फसल अन्ना मवेशियों के द्वारा चट कर दी गई, जिसकी शिकायत के बाद भी ग्राम प्रधान व स्थानीय प्रशासन द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं कराया जा रहा था। दोनों ही लोगों की जुगलबंदी में क्षेत्र से जनता परेषान हो चुकी थी। सर, ये हमारी जो है आषाढ़ी फसल भी नष्ट हो गई, जो है ज्वार जो है जो आषाढ़ी फसल होती है मूंग सूंग दुनियादारी सब नष्ट हो गई सर। अब हम जो है कई बार शासन प्रशासन को सबको अवगत करवाया कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, तो वहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा। कह रहे हैं कि जो है सचिव और प्रधान के खाते में पैसा भेज दिए गए हैं, वो बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा ऐसा सस्ता मिल रहा है। आज हमको जो है जुलाई से यही सब सिस्टम मिल रहा है। तो अन्ना जानवर आपके यहाँ खुला घूम रहे हैं? जी जी। फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं? जी सर। तो गौशाला बनी है आप गाँव में? नहीं सर, गौशाला की तो बात कर रहा हूँ कि जो है जुलाई में पैमाइश हो गई थी, सामने जो जमीन पड़ी है। जी, कह रहे हैं कि लेखपाल से कल बात हुई इसी संबंध में, तो बोल रहे हैं कि हमने पैमाइश कर दिया, नाप दिया, अब ये बने ना बने हमसे कोई मतलब नहीं। फिर कल हम तीन चार लोग किसान लोग जो है एसडीएम साहब के पास भी गए, तो एसडीएम साहब को अप्लीकेशन दिया, बताया कि सर ऐसी जैसी समस्या है। तो एसडीएम साहब बोले कि पैसा तो शासन भेज दिया है प्रधान सिक्रेटरी खाते में, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सचिव से और प्रधान से कहिए वही बनवाएगा गौशाला। तो क्या आप लोगों के कहने से क्या गौशाला बन जाएगी? अगर आप लोग कहेंगे, अधिकारी नहीं कह रहा है, आप लोग कह रहे हैं, तो आप लोग कहने से गौशाला बन सकती है? अब श्रीमान जी, ये पूरी पंचायत इस जो है उसमें आ गई है देश में कि जब तक गौशाला नहीं बनेगा तब तक ये जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जहाँ पर गाय को रखा गया है तब तक यहाँ गाय को हम रखेंगे। ये फसल हमको बचाना है, चाहे हमको जितना जुल्म सहना पड़े, चाहे जितना हमको परेशानी झेलना पड़े, हम सब कुछ झेलेंगे, लेकिन ये विद्यालय खुलेगा नहीं जब तक इसका जो है अस्थायी समाधान नहीं हो जाएगा। यहाँ समस्या यह है कि सर रात दिन गोरू रात दिन डगराई था, एक एक बीघा हो चाहे दो दो बीघा हो, फसल नष्ट पड़ी है पूरी। नष्ट के कारण लड़का बच्चा हम नहीं जिया सकता है, ऐसे नहीं जिया सकित कि भाई फसल में तो हम खाना पीना है, अब फसल नहीं बचती है गोरुओं के मवेशियों के मारे, तो बताओ क्या करब। यह समस्या है। ग्राम प्रधान क्या कर रहा है? ग्राम प्रधान बार बार आ रहा है, प्रधान कुछ नहीं कर रहा। अब प्रधान के बारे के बाद मुझसे मत पूछो, नहीं आज जी इन तना क्या कार्य करत हो प्रधान, तो यह समस्या आज तुम्हारे वीडियो कॉलिंग के पाछे ना आवते। प्रधान खाली बार बना रहा है, कुछ नहीं करता है, खाली बार बना रहा है प्रधान। क्या आप ही की फसल नुकसान की है कि और भी किसानों का? साले ऑल इंडिया की फसल नुकसान ही है, मतलब चंदौर मौजे की पूरी फसल नष्ट ही, जो सात गांव का मौजा होता था, सात गांव के मौजा की पूरी फसल नष्ट है। बांदा से संवाददाता विष्णु सिंह की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज।